बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत आराफ, नवा पारा, काल ला मलाऊ। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वे कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मज़हब में आ जाओ। उन्होंने कहा, चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी अगर हम इसके बाद कि खुदा हमें इससे निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने खुदा पर झूठा इफ्तरा बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है वह चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ पर अहाता किए हुए हैं। हमारा खुदा ही पर भरोसा है। यह परवरदिगार हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम घाटे में पड़ गए। तो उनको भूचाल ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब को झुठलाया था ऐसे बर्बाद हुए कि गोया वे उनमें कभी आबादी ना हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुठलाया वे घाटे में पड़ गए। तो शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं और तुम्हारी खैरख्वाही की थी, तो मैं काफिरों पर अज़ाब नाजिल होने से रंज व गम क्यों करूं? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान ना लाए दुखों और मुसीबतों में डाल दिया ताकि वे आजिज़ी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी खुशहाली में बदल दिया, यहां तक कि माल व औलाद में ज़्यादा हो गए। तो कहने लगे कि इसी तरह रंज व राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको यकायक पकड़ लिया और वे अपने हाल में बेखबर थे। अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया। सो उनके आमाल की सज़ा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों में रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रात को आए और वे बेखबर सो रहे हों? और क्या शहर वाले निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वे खेल रहे हों? क्या वे लोग खुदा के दावों का डर नहीं रखते? सुन लो कि खुदा के दाव से वही लोग निडर होते हैं जो घाटा पाने वाले हैं। क्या इन लोगों को जो अहले ज़मीन के मर जाने के बाद ज़मीन के मालिक होते हैं यह बात हिदायत की वजह नहीं बनी कि हम चाहें तो उनके गुनाहों की वजह से उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वे ऐसे नहीं थे कि जिस चीज़ को पहले झुठला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह खुदा काफिरों के दिलों पर मुहर लगा देता है और हमने उनमें से अक्सरों में अहद वा निभा नहीं देखा और
उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने उनके साथ ओहो, कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझ पर वाजिब है कि खुदा की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा कि अगर तुम निशानी लेकर आए हो, तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, तो वह उसी वक्त खुला अजदहा हो गया। और अपना हाथ बाहर निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बर्राक था। तो फिरौन की कौम में जो सरदार थे वे कहने लगे कि यह बड़ा अलामा जादूगर है। इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और उसके भाई के मामले को माफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और जादूगर फिरौन के पास आ पहुँचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला इनाम अता किया जाए। फिरौन ने कहा, हाँ ज़रूर, और उसके अलावा तुम मुकरिबों में दाखिल कर दिए जाओगे। जब दोनों फरीक मुकर्रर दिन को जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज़ डालो या हम डालते हैं। मूसा ने कहा, तुम ही डालो। जब उन्होंने जादू की चीज़ डाली तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया, यानी नज़रबंदी कर दी, और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बना कर उन्हें डरा डरा दिया और बड़ा भारी जादू दिखाया। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। वह फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी।